जो हमारे शरीर की संरचना है और जो ये ब्रह्मांड की यानी प्रकृति की संरचना है, पिंड रूपी ब्रह्मांड की जो संरचना है बिल्कुल एक ही जैसी है। जिस प्रकार से इस पिंड में यानी ब्रह्मांड में जिसे हम मूल कह देते हैं, पृथ्वी है, आकाश है, पाताल है या स्वर्ग लोक है वगैरह वगैरह, उसकी संरचना और हमारी संरचना एक ही जैसी है। सिर्फ दिखने में थोड़ी भिन्नता दिखती है। जैसे हमने एक शब्द अभी बताया मनुष्य रूपी पिंड, सिर्फ ये पिंड है, इस आकार को है। सत्य तो ये है कि जो हमें ब्रह्मांड पिंड रूपी में दिखाई देता है तो योगी लोग, भक्त लोग या अन्य जो अभ्यासी हैं इस पिंड को स्त्री के रूप में भी देखते हैं, उसे हम प्रकृति कह देते हैं। जब अभ्यासी अभ्यास करता है एक निश्चित अवस्था में, वही पिंड यानी प्रकृति हमें स्त्री के रूप में भी दिखाई देती है। इसी तरह से हमारा जो अपना छोटा पिंड जो हमने शब्द का उच्चारण किया, इस तरह के यानी मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं। हाँ, मनुष्य के जो शरीर की संरचना है, अगर हमने जो बताया कि तीन अवस्थाओं में है, स्थूल रूप से जो हमारे शरीर में रीढ़ यानी रीढ़ की हड्डी है वो इस शरीर का आधार है। जैसे पहले सर्कस अक्सर दिखाया करते थे या शहरों में आया करते थे, उस सर्कस में जो तंबू होता था उसके मध्य में एक विशेष प्रकार का बांस लगा होता था, बंबू या लकड़ी का खंभा या बांस का होता था, उसी के सहारे पूरा तंबू आश्रित था। इसी प्रकार से इस रीढ़ के सहारे इस मनुष्य का शरीर आश्रित है, चल रहा है और विद्यमान है। सूक्ष्म रूप से ये बहुत समय तक यानी कारण शरीर तक ये विद्यमान रहती है। अगर हम देखें इस रीढ़ के सहारे मुख्य रूप से तीन नाड़ियां होती हैं। मध्य में शिशुमना नाम की नाड़ी होती है, ये देवपथ भी कही जाती है। वैसे साधारण मनुष्यों में जिन्होंने अभ्यास नहीं किया है, ये नाड़ी एक तरह की बंद जैसी रहती है, सिर्फ कुछ क्षण के लिए चलती है, क्षणिक देर के लिए। और इस नाड़ी के दाएं भाग में सूर्य नाड़ी होती है, बाएं भाग में चंद्र नाड़ी होती है। ये जो शिशुमना नाड़ी है यही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण। यदि इस नाड़ी को हम क्रियाशील कर दें तो धीरे धीरे हमारा आंतरिक विकास होने लगेगा, हम अपने मूल स्वरूप की ओर जाने लगेंगे। इस नाड़ी के सहारे सात चक्र जुड़े हुए हैं या विद्यमान हैं। ये चक्र शक्ति के केंद्र होते हैं, बहुत से लोग अपनी भाषा में शक्ति केंद्र भी कह देते हैं। वैसे कहीं कहीं पर सात से अधिक चक्रों का भी नाम आया है, लेकिन मुख्य रूप से सात ही चक्र होते हैं। ये चक्र सूक्ष्म शरीर के अंदर विद्यमान होते हैं, सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर में समाया हुआ है। जब उसमें किसी प्रकार की क्रिया होती है तो हमें स्थूल शरीर में उसकी अनुभूति होती है, तो ऐसा भासित होता है कि यह चक्र हमारे स्थूल शरीर में विद्यमान है, मगर वास्तव में सूक्ष्म शरीर में ही विद्यमान होते हैं। जब कोई चीज सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है, अगर हमें उसे क्रियाशील करना है तो हमें निश्चय ही हमें अंतर्मुखी होकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना होगा। उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने के लिए हमें किसी न किसी तरीके का प्रयोग करना होगा या अभ्यास करना होगा, जिसे हम योग कह देते हैं। हमारा सह ध्यान योग है। सह ध्यान योग सभी लोग कर सकते हैं, ज्यादा कठोरता की जरूरत नहीं होती है, गृहस्थ वाले बड़े आराम से कर सकते हैं। कुछ ऐसे योग मार्ग हैं जिनमें बहुत ही कठोरता की जरूरत होती है, जैसे हठ योग वगैरह, उनमें कुछ ज्यादा ही कठोरता की जरूरत होती है, संयम की जरूरत होती है, मगर इस मार्ग में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल सरलता से बता दूं कि जो ये हमारे इंद्रियाएं बहिर्मुखी होकर के संसार में भाग रही हैं, अर्थात इच्छाएं भाग रही हैं, लगातार हम सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने में लगे रहते हैं या उनके विषय में सोचते रहते हैं, इन इंद्रियाओं को, इनकी बहिर्मुखता हमें बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि यही इंद्रियाएं हमें संसार का भान कराते हैं और स्थिति इसमें बनाए रखती हैं।
यदि हम बहिर्मुखी इंद्रियों को शांत करके अंतर्मुखी कर दें तो धीरे धीरे हमारे सूक्ष्म शरीर का विकास उचित समय पर होने लगेगा। अच्छा, ये जो इंद्रियां बहिर्मुखी हो रही हैं, वास्तव में चित्त में स्थित संस्कार जो हमारे अनंत कालों से कर्मों के द्वारा बने हुए विद्यमान रहते हैं, वही धीरे धीरे संस्कार बाहर को निकलते रहते हैं। जब संस्कार बाहर की ओर निकलते हैं तो ये मन के द्वारा, मन ये संस्कार मन और आँखों के द्वारा तेजस रूप में बाहर निकलते हैं, अर्थात ये संस्कार हमारी आँखों के द्वारा तेजस यानी प्रकाश रूप में बाहर निकलते हैं, किरणें प्रकाशित होती हैं और चारों ओर को फैल जाती हैं, और चारों ओर फैल करके वही स्वरूप को धारण करते हैं। जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो आप सभी की जो आँखों के द्वारा ये वृत्ति निकल रही है तेजस रूप में, मेरे स्वरूप को धारण करके आपके मस्तिष्क को पहुंचा रही है वही वृत्तियां रिफ्लेक्ट होकर के और हमारे स्वरूप का भान करा रही है। इसी प्रकार से आप जो भी दृश्य देखते हैं, चाहे शहर देख रहे हो, पेड़ देख रहे हो, बिल्डिंग देख रहे हो, फल जो भी देख फल वगैरह देख रहे हैं, तो यानी जो भी दृश्य देख रहे होते हैं, ये यही तरीका है कि तेजस रूप में वृत्ति निकल कर उनके स्वरूप को धारण करती है और फिर हमारे मस्तिष्क को अनुभूति कराती है, तब हमें महसूस होता है कि ये अमूक चीज हम देख रहे हैं। हाँ, जो ये आंखों के द्वारा वृत्ति बाहर निकलती है, अगर हम इन वृत्तियों को रोक दें कुछ समय के लिए, रोक दें यानी अंतर्मुखी करने का प्रयास करें, तो हम धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लगेंगे, तो हमें बाहर का भान उस कुछ समय के लिए नहीं होगा। कहने का मतलब कि हमें ध्यान के माध्यम से मन को रोकना होता है। जब हम अंतर्मुखी होंगे तो हमारे अंदर शरीर के अंदर क्रियाएं होने लगेंगी। जो ये शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, इसमें 7 केंद्र होते हैं, तो सबसे नीचे के केंद्र का या चक्र का नाम है जो रीढ़ के निचले भाग में होते हैं, तो त्रिकोण सा बना होता है। अगर गौर करें, रीढ़ का सबसे निचला भाग नुकीला सा होता है, नुकीले भाग का लगभग आधा इंच लगभग छोड़ दें ऊपर चौड़ा भाग होता है, तो सूक्ष्म शरीर में उसी क्षेत्र में ये मूलाधार चक्र विद्यमान रहता है। इस मूलाधार चक्र में एक खूबी है, यहाँ त्रिकोण बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, उसके मध्य में शिवलिंग है, शिवलिंग के मध्य में 3.5 चक्र लगाए हुए आदि शक्ति यानी कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त अवस्था में प्रत्येक प्राणियों के अंदर विद्यमान रहती है। मूलाधार चक्र से ऊपर थोड़ा सा ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर नाभि के पीछे नाभि चक्र है। ये सारे चक्र जो हमने अभी बताया सुषुप्ता नाड़ी से संबंधित रहते हैं। हृदय के पीछे हृदय चक्र है, कंठ में यानी गले में कंठ चक्र है, और भूमध्य में यानी मस्तक के बीच में यहाँ पर आज्ञा चक्र है, सिर के ऊपरी भाग में सहस्त्रार चक्र है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Remember to like, comment and subscribe. Thank you.